हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चलिए, क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए, फर्स्ट, आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। हमारे पेरेंट्स हमारी हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा केयर करते हैं। यस, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पर। गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट, ट्रू। भगवान ने ही तो हमें दिया है, जो हम चाहते हैं वो भगवान ही तो हमें देते हैं। द पोइट सेज थैंक यू 5 times इन द पोम। पोइट ने इस पोम में 5 बार थैंक यू कहा है। चलिए देख लेते हैं 5 बार कहा है कि नहीं। ये देखिए, ये 1 बार थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, 2 बार, 3 बार और ये हो गया 4 times। तो 5 बार नहीं कहा है, 4 times कहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो पहले 2 ट्रू ट्रू और यहाँ पे हो गया फॉल्स। ठीक है, 4 देखते हैं। वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड रेन, बिल्कुल, तो बन जाएगा ट्रू। वी शुड थैंक आवर पेरेंट्स ओनली, वी शुड थैंक आर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। जो भी संसार में चीज़ें हैं उसके लिए सिर्फ हमें अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं, हमें हमारे गॉड को भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी सेकेंड का ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। हमें क्या करना है, इस बॉक्स से जो फिलअप है उसको फिल करना है। इस बॉक्स में जो वर्ड दे रखे हैं उससे फिलअप को फिल करना है। वी हैव आईज, आईज किस लिए होती है, टू सी। माई मदर गिव्स मी फूड, टू ईट। आगे बढ़ते हैं। माई फादर ब्रिंग्स क्लोथ, क्लोथ किसके लिए लेके आता है, टू वियर। तो यहाँ पर आ जाएगा टू वियर, थर्ड में टू वियर। फोर्थ में वी हैव ईयर्स, ईयर्स किसके लिए होते हैं, टू हीयर। फिफ्थ, गॉड गिव्स अस एयर, एयर क्यों देते हैं, ब्रीथ के लिए, तो टू ब्रीथ। और लास्ट है हमारा, आई यूज़ माय फीट टू वॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, राइट 1 word फॉर ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। चलिए 1 word यूज़ करना हमें। अ प्लेस वेयर वी लिव इन, जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होम, एच ओ एम ई। ठीक है, द चिल्ड्रन विद होम यू रन एंड प्ले, किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, एफ आर आई ई एन डी। द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, गॉड, जी ओ डी, गॉड। अ पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन, रात का समय जब हम सन को नहीं देख पाते हैं, वह समय जब हम सन को नहीं देख पाते हैं, तो नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे हैं इसका हमें क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड। ठीक है, वी शुड गेट अप लेट, ऑलवेज का अपोजिट लिखना है। तो ऑलवेज का अपोजिट या तो हम सेल्डम लिख सकते हैं, एस ई एल डी ओ एम, या फिर हम रेयर भी लिख सकते हैं, वी शुड रेयर गेट अप लेट। नेक्स्ट है, द सन शाइन्स इन नाइट का क्या आ जाएगा, डे। प्लीज टेक, टेक का गिव, प्लीज गिव मी योर पेंसिल। गॉड टेक्स, टेक्स का गिव्स, जी आई वी ई एस, गिव्स अस ऑल द थिंग्स। ही इज़ माई मदर, मदर का फादर। लेकिन देखो ये अपोजिट नहीं है, ये जेंडर है। देखो बुक वाले भी कभी कभी गलती कर देते हैं, ये जेंडर है। मदर और फादर दोनों क्या होते हैं, जेंडर होते हैं, अपोजिट थोड़ी होते हैं। चलिए डी पार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस, आईज एंड ईयर्स, हैंड्स एंड फीट। इन द अबव एग्जाम्पल द टू वर्ड्स हैव बीन जॉइंड, द वर्ड एंड, एंड द वर्ड एंड इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव।
तो ये एंड से दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, नाउ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द कॉलम ए एंड बी, ए और बी से दो अप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि उपयुक्त वर्ड को सेलेक्ट करके उनको ज्वाइन करके एंड से और सी में लिखना है। चलिए देखते हैं। देखो डे के साथ तो इन्होंने नाइट को कंबाइन करके पहले से ही लिख दिया है ना, डे के साथ नाइट को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया डे एंड नाइट। अब सन के साथ क्या होगा, सन के साथ मून, तो द सन एंड द मून, ठीक है, द सन एंड द मून। चलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको वैसे ही बता देते हैं, द सन एंड द मून, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सन है एस ओ एन, सन के साथ, ये सन मतलब बेटा, तो बेटा के साथ डॉटर बेटी, सन एंड डॉटर, फादर एंड मदर, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हो गया फिनिश। अच्छा दो और है, तीन और है, सिस्टर, सिस्टर के साथ, सिस्टर के साथ ब्रदर, ब्रेड के साथ बटर, और ब्लैक के साथ वाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम ईयर, आईज, ईयर्स, हैंड्स, क्लोथ्स, ये क्या हैं, प्लूरल फॉर्म्स हैं, सिंगुलर नाउन प्लूरल फॉर्म्स हैं इनकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेड प्लूरल विद द, कभी कभी हम एस या ईयर्स लगा कर प्लूरल बनाते हैं, और कभी कभी हम कुछ और तरीके से भी प्लूरल बनाते हैं, जैसे फीट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फूट, है ना, तो ऐसे ही टीथ इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। तो अब हमें क्या बोला गया है, पोम में से कुछ ऐसे वर्ड, ओ माय गॉड, पोम में से कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं हमें जो प्लूरल फॉर्म में ही दिए गए हैं, पोम में ही। चलिए देखते हैं पोम में कौन से प्लूरल वर्ड्स दे रखे हैं। चलिए एक सेकेंड, पहले पूरी पोम निकाले, देखिए ये रहा, आईज, ईयर्स, हैंड्स, ठीक है, और क्या है, क्लोथ्स, फ्रेंड्स, थिंग्स, ठीक है, ये इतने सारे मिल गए हमें, तो सिर्फ फोर ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 दे लिए हमने तो, ओके। तो ये सारे चार वर्ड्स आप लिख सकते हैं इसमें से, यहाँ पर ये चार वर्ड। अब इसके अलावा हमें क्या करने हैं, इनके प्लूरल वर्ब यहाँ पर लिखने हैं, तो चलिए इनके प्लूरल वर्ब्स लिख लेते हैं हम फटाफट। टूथ का टीथ, टी डबल ई टी एच, फूट का फीट, एफ डबल ई टी फीट, नाइट का नाइट्स, ऐसा लग जाएगा, डे का डेज, हैंड का हैंड्स, नोज का नोजेज, फिंगर्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, पूरा लिखना है आपको चिल्ड्रन, रे का रेज, आंसर बुक का आंसर बुक्स, टो का टोज, और शू का शूज़, ठीक है। ऐसे और लगाते जाइए, पूरा वर्ड लिखना है आपको, ऐसे नहीं कि आप ना ऐसे लगा दें, यहाँ पे पूरा वर्ड लिखेंगे कैसे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये टोस को रिमूव कर देते हैं, इसको पूरा लिखो आप, टी ओ ई एस, ऐसे पूरा लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें द टीचर रिसाइट्स द फॉलोइंग पोम एंड स्टूडेंट्स लिसन टू इट केयरफुली, देन दे रीड द पोम टुगेदर एंड विल आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टीचर रिसाइट करती है पोम को और स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनते हैं, अब वो पोम को एक साथ पढ़ते हैं और इन आंसर्स का क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्या है पोम, आई एम थैंकफुल फॉर द सनशाइन ब्राइट, फॉर द रेन एंड द स्टार्स एट द नाइट, आई एम थैंकफुल फॉर ईच फ्लावर एंड ट्री एंड ऑल द ब्यूटी दैट आई सी, आई एम grateful for kind friends and true help me to be a good friend too। चलिए
पोम हमने पढ़ ली है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पोइट कह रहा है कि मैं सभी चीज़ों को के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे सनशाइन मिलती है, जो मुझे रेन बारिश होती है, जो मुझे स्टार्स रात में देखने को मिलते हैं। मैं हर फ्लावर का, हर ट्री का धन्यवाद देता हूँ, उसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। फिर आगे क्या बोलता है, जो ब्यूटी मुझे देखने को मिलती है आसपास सभी जगह, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने सभी मेरे ट्रू और काइंड फ्रेंड्स के लिए धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और मुझे भी एक अच्छा फ्रेंड बनने में हेल्प करना। मतलब वो विश कर रहा है कि मैं भी एक अच्छा फ्रेंड बन सकूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के। टू होम इज़ द पॉइंट थैंकफुल, किसके लिए पॉइंट थैंकफुल है, ठीक है, किसके लिए थैंकफुल है, तो ये किसी पर्सन के लिए बोला गया है, तो ये आई एम थैंकफुल फॉर काइंड फ्रेंड्स एंड ट्रू, ठीक है। तो टू होम की जगह हम लिख देंगे काइंड फ्रेंड्स, टू काइंड फ्रेंड्स, नहीं यहाँ से आएगा आंसर। द पॉइंट इज थैंकफुल, द पॉइंट इज थैंकफुल फॉर ग्रेटफुल, सॉरी फॉर काइंड फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड आंसर, फॉर व्हाट थिंग्स इज द पॉइंट ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, किन चीज़ों के लिए है, तो वही द पॉइंट इज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, टू करके और सारी चीज़ें ऊपर से देखेंगे, टू द सनशाइन, टू द सनशाइन ब्राइट, टू द स्टार्स एट द नाइट, टू ईच फ्लावर्स एंट्री, टू ब्यूटी ही सीज, ठीक है यहाँ तक, एंड फॉर मैनी मोर, ऐसे करके फिनिश कर देंगे आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आंसर, व्हाट इज़ द पॉइंट विश इन द पोम, पॉइंट की क्या विश है पोम में, वो भी एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता है, तो कैसे लिखेंगे, द पॉइंट्स विश इज, द पॉइंट्स विश इज लिख के, ठीक है ये नहीं लिखना है अभी, इन द पोम इज टू बी अ गुड फ्रेंड, यहाँ तक लिख के इन द पोम, फिर लास्ट में लिखेंगे इन द पोम, राइट। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू, जब आपका फ्रेंड आपकी मदद करता है तो आप कैसा फील करते हैं, ग्रेटफुल, ठीक है। सो व्हेन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर, व्हेन योर की जगह आर, व्हेन आवर फ्रेंड हेल्प्स अस वी फील, फील करके वी फील, कैसा फील करते हैं, वी फील ग्रेटफुल, आगे ग्रेटफुल लिख देंगे, राइट। एक्टिविटी फोर देखते हैं, हाँ अब हमें क्या करना है, वी गिवन बिलो आर अ फ्यू कंप्लीट सेंटेंसेस, कंप्लीट देम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। चलिए एग्जाम्पल दे रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें भरना है। वी थैंक गॉड, हम गॉड को क्यों धन्यवाद देते हैं, मिल्क टू ड्रिंक, फूड टू ईट, कि गॉड ने हमें मिल्क दिया है ड्रिंक करने के लिए और खाने के लिए भोजन दिया है। अब अपने फादर को क्यों थैंक होना करना चाहेंगे, मतलब हम फादर के लिए क्यों आभारी रहते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, तो हम इसको अपने मन से बना सकते हैं। लाइक फादर हमें पॉकेट मनी देते हैं, सो आई थैंक माय फादर फॉर पॉकेट मनी, ठीक है ना, फॉर पॉकेट मनी, यहाँ पे लिख सकते हैं पॉकेट मनी, POCKET, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी के लिए, और किसके लिए, फादर को और क्यों हेल्प करेंगे, और क्यों थैंक करेंगे हम, क्योंकि वो हमें एजुकेशन देते हैं, टू गिव एजुकेशन, फॉर एजुकेशन ही गिव्स, ठीक है, या फिर द केयर ही गिव्स, ये भी लिख सकते हैं द केयर ही गिव्स अस। नेक्स्ट मदर को आप थैंक यू करेंगे, मदर को भी हम द केयर ही शी गिव्स एंड मेक्स अस फूड, हमारे लिए खाना बनाती है, फॉर केयर एंड फॉर फूड, फूड शी कुक्स,
ठीक है, एक सेकेंड, कुक्स, राइट। फ्रेंड को क्यों धन्यवाद देना चाहेंगे आप? क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है, द हेल्प ही गिव्स, और एक तो हेल्प करता है और क्या करता है, और लंच में फूड भी तो शेयर करता है, फॉर शेयरिंग ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट, थैंक माय ग्रैंडफादर। हम ग्रैंडफादर को क्यों थैंक करना चाहेंगे? क्योंकि जो लव और केयर वो हमें देते हैं, लव एंड केयर, एंड टेल्स द स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर को, टीचर हमें क्या देता है? हमें मोटिवेट करता है, प्लस हमें टीच करता है, फॉर टीचिंग मी। टीचिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी, मोटिवेट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट रिगार्डिंग द थिंग्स ही, जो गॉड हमें, गॉड ने जितनी भी हमें चीज़ें दी है ना, उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है, नाउ डिस्प्लेड इन द क्लास एंड रीड, और उसको आपको डिस्प्ले करना है क्लास में। चलिए ये आपकी एक्टिविटी है, कितनी सारी चीज़ें दी हैं, ये पोम जो है ना उसी से रिलेटेड, ये देखिए, तो आप अगर ये भी डिस्प्ले कर देंगे, सॉरी, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फूड का कोई पिक्चर बना दीजिए, ठीक है, हाउस का, क्लोथ्स का, जो रेन देते हैं, जो फ्रेंड्स देते हैं, जो रेन दिए हैं उसने, मिल्क दिया है, इन सब का पिक्चर बना के और ऊपर गॉड लिख के, और फिर ये सब गिवर, गॉड द गिवर, और फिर सारी चीज़ें हम उसके आसपास बना सकते हैं या एरो लगा के उसके अंडर में बना सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।